वो परिवार गुहार लगाता रहा, विरोध करता रहा, पर अधिकारियों ने एक न सुनी और उनकी रोजी रोटी का साधन जिससे वो अपने घर का गुजारा करते थे उस पर ही उनकी आंखों के सामने बुलडोजर चला दिया। ये तस्वीरें जबलपुर की है जहां नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बीच उनकी गुंडागर्दी भी सामने आई है। आरोप है कि नगर निगम प्रशासन ने एक समोसे बेचने वाले के ठेले को बेरहमी से तोड़ दिया। इतना ही नहीं, जब ठेला लगाने वाले परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो नगर निगम ने पुलिस प्रशासन की सहायता से उन्हें जेल भिजवा दिया। नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं अब पूरे मामले में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि नगर निगम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, अगर किसी के ठेले को अनायास तोड़ा गया है तो ये गलत है। मैंने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली थी कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जो मुझे बताया उनका कहना ये था कि हम लोग अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे थे, वो जो ठेले वाले थे वो हुज्जत कर रहे थे और वो हटाने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे और वो बदतमीजी पर उतारू थे, ऐसा बताया गया मुझे। मुझे उसके बारे में समझना है, मैं वो जो ठेले वाले मालिक हैं मैं उनसे भी बात करूँगा कि उनकी क्या तकलीफ थी, क्या पीड़ा थी, और उसको ज़रूर से उनके साथ बैठ कर उस पर चर्चा करूँगा। हम लोगों का उद्देश्य शहर को व्यवस्थित करना है, हमारा उद्देश्य कहीं से भी किसी को पीड़ा पहुँचे ये नगर निगम अमले का काम नहीं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थित तरीके से लोगों का आवागमन ठीक हो, अगर किसी का ऐसा ठेला तोड़ा गया है, अनायास तोड़ा गया है, बिना कारण के तोड़ा गया है, तो निश्चित तौर पे मैं उनसे चर्चा करूँगा और उनको मुआवजा भी दिलाऊँगा और उसको ये प्रयास करूँगा कि आगे ये स्थितियाँ न निर्मित हों। आपको बता दें कि जबलपुर के कोतवाली थाने के सामने ये परिवार समोसे का ठेला लगाता है। अधिकारियों की माने तो ये परिवार अतिक्रमण के विरोध के साथ साथ बदतमीजी भी कर रहा था। जब नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कार्यवाही करने पहुंचा तो समोसा के ठेले लगाने वाले ने ठेला अंदर कॉलोनी में ले लिया। आरोप है कि कर्मचारियों ने अंदर कॉलोनी से ठेला बाहर सड़क पर निकाला और ठेले को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया, लेकिन नगर निगम कर्मचारी और पुलिस के सामने किसी की ना चली। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।